इस जल जले से कौन बचाएगा? जो सामने आएगा बह जाएगा। एक गलत कदम और फिसल जाएगी जिंदगी। कभी कभी हम बीच में ही फंसे रहते हैं, ट्रॉली में रास्ता खींच नहीं पाता है। डूबते को एयरलिफ्ट का सहारा। न बरसे तो आफत, ज्यादा बरसे तो आफत। अभी बहुत खतरा है, बड़ी बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं हम लोग। हिंदुस्तान के 5 राज्यों में जल राज। आप कहां से आंसू टपकेगा सर? मेरे यहां के पब्लिक का वो हाल है, 28,000 आदमी फंसे हुए हैं। कुदरत की तबाही, इंसान की त्राही त्राही। तबाही का जल जला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 5 राज्यों में जल जले से तबाही है। बिहार की जो प्रभावित आबादी है इसकी वजह से, उसकी संख्या 17 लाख है। 8 जिले प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से। 4 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 10,000 लोगों का घर तबाह हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। खतरे के निशान से जो नदियां ऊपर बह रही हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कोसी नदी 1.24 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महानंदा 1.53 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती 0.62 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और झावा 1.66 यानी कि 66 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 5 राज्यों में जलजले से तबाही आ गई है। और ये राज्य हैं असम, जहां पर 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ की वजह से, इस पानी की वजह से आप कह सकते हैं। 19 जिले प्रभावित हैं, 2,653 गांव डूब चुके हैं, 1,27,000 लोग बेघर हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और इसके बाद अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो 58,000 आबादी प्रभावित है पानी की वजह से, जलजले की वजह से। और 3 जिलों के 150 गांव डूब चुके हैं। देश में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है और कितनी मौतें हुई हैं यह भी आपको जानना जरूरी है। 196 मौतें हो चुकी हैं। मवेशियों की मौत 2,184 हुई है और 38,285 घर तबाह हुए हैं। 3,57,000 हेक्टेयर की फसल तबाह हो गई है। देश के कई राज्यों में पानी का ऐसा सैलाब आया हुआ है कि हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें और सेना की टुकड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ में फंसे लोगों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि देश पर जलजले का हमला हो गया। उत्तराखंड से असम तक और हिमाचल से बंगाल तक देश के आधे दर्जन राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कहर से लाखों लोगों पर संकट है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। बादल फटने के बाद हुई तेज बारिश की वजह से कफलो गांव में 800 मीटर लंबी खाई बन गई। सड़क की सड़क बह गई, पुल टूट गए, 7 गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। लिहाजा यूं जान पर खेलकर रास्ता पार करने के अलावा लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा।
पानी का तेज बहाव और उसके डराने वाले शोर के बीच लोग जिंदगी जोखिम में डालने को मजबूर हैं। इधर पैर फिसला और उधर जिंदगी हाथ से गई। सारी रोड जाने वाली है, ऊपर भी यहाँ स्कूल था, वहाँ से भी बहुत दोस्त हो रखी रोड, और उससे ऊपर जहाँ पे ट्रोली है वहाँ भी बहुत खतरा है, उधर से भी सारा रोड निकलने वाला है। ऊपर जहाँ संगम चट्टी था हमारा, वहाँ भी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही, सारी दोस्त हो रखे। पुल जो है बहुत बेकार हो रखा है हमारा, जो है आने जाने का रास्ता जो है बहुत ख़राब हो रखा है, बड़ी बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं हम लोग। ये तस्वीरें नैनीताल के रामनगर के धनगढ़ी इलाके की हैं, जहां तीन स्कूटी सवार सैलाब में फंस गए। ठीक उसी वक्त एक निजी कंपनी की बस वहां से गुजर रही थी। बस में कंपनी का स्टाफ मौजूद था। पानी के बहाव के बीच स्कूटी सवार तीन लोगों को बचा लिया गया। अरे यार, ये बहन आ जाएगी। अब ये तस्वीरें देखिए, मनाली से रोहतांग के रास्ते पर आठ मजदूरों की जिंदगी का सवाल था। भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड ने संभलने का मौका ही नहीं दिया, और देखते ही देखते नाला कब नदी में तब्दील हो गया किसी को नहीं पता चला। गलती उस हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी की थी, जिन्होंने मजदूरों को हाई रिस्क जोन में रहने की इजाजत दे दी थी। एक मजदूर इस कदर घायल हो गया था कि चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसे कपड़े में बांधकर रस्सी के जरिए बचाया गया। ये रस्सा पीछे से भी तो पकड़ो कोई, इधर से ये ना खींच जाए। पुलिस और फायर फाइटर्स की मदद से आठों मजदूरों को डेढ़ घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। अब शिमला की तस्वीरें देखिए, जिसकी शक्ल बिगाड़ने में बारिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तेज बारिश और हवा ने भारी पेड़ों को उखाड़ फेंका। तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल हो गया कि ये बारिश थी या फिर भूकंप। मजबूत घर भी नहीं बचे। मौसम बड़ा खराब हो रहा है, काफी बारिश हो रही है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। मेरे साइड में होटल ईव करके है, वहाँ पे कल रात को पेड़ गिर गया, बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। यमुना का उफान देखकर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पार फंसे सात लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 1.5 लाख क्यूसेक पानी में ये सात मजदूर यमुना नगर में फंस गए थे। जैसे तैसे टायर ट्यूब के सहारे कोशिश हुई, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। पानी का तेज बहाव जमीन को काट रहा था और सात जिंदगियां घिरती जा रही थी। आखिरकार वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और फंसे हुए सातों लोगों को बचा लिया गया। हमारे खुद गोताखोर यहाँ पर पहुँच गए थे, सब टाइमली हमने पूरा एक्शन लिया, और जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने बोट और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा लगा दिया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को पानी के तेज बहाव के बीच गोदी में उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाने की ये कवायद जम्मू के उधमपुर की है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू में भारी बारिश की वजह से लोगों पर आफत बरस रही है। जम्मू में बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन पहले लगातार हुई बारिश ने सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 24 घंटों में 172.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजौरी, मेंढर, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा जिलों में सैकड़ों मकानों के गिरने की खबर है। पानी का यह तेज बहाव सैलाब से खड़े हुए संकट की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार और असम का है, जो लाखों की आबादी जल सैलाब से जूझ रही है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार और यूपी में संकट और ज्यादा बढ़ गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि वो गृहमंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क में है और हालात संभालने की सभी कोशिशें की जा रही हैं। जो सड़क है, सड़क पे अपना छप्पर रखना शुरू कीजिए। जमीन नीचे दब गई है तो नीचे हम मिट्टी डलवाना, ट्रैक्टर लगा करके मिट्टी डलवाना, नरेगा से जो भी जहाँ भी मिट्टी मिल जाए उसको हम डलवाना शुरू कर दें। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं, जहां डीएम अमृत त्रिपाठी बाढ़ पीड़ितों के लिए त्रिपाल लेकर पहुंचे हैं।
घाघरा और शारदा नदी के उफान ने 20,000 लोगों को बेघर कर दिया है, जिनके पास रात गुजारने के लिए भी छत नहीं है। हजारों लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है, क्योंकि पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा कर ले गया है। बाढ़ के खतरे से बहराइच, श्रावस्ती, फैजाबाद और बाराबंकी के गांव प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने करीब 150 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। पानी का ये बहाव डराने वाला है, मानो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, लेकिन इसका असर यूपी और बिहार पर पड़ रहा है। नेपाल की भादा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही नदी भारतीय सरहद में सरयू के नाम से जानी जाती है। नेपाल से और ज्यादा पानी छोड़े जाने की चेतावनी के बाद खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात भयावह होते जा रहे हैं। बिहार की महानंदा नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों पर क्या बीत रही है, उसका मंजर ये तस्वीरें बताएंगी। महानंदा नदी कटिहार में खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नेपाल में हो रही बारिश ने महानंदा में अचानक उथल पुथल मचाई, तो 100 से ज्यादा गांवों ने जल समाधि ले ली। लोग 3 दिन तक फंसे रहे, पेड़ों पर टंगे रहे। अब आर्मी की गढ़वाल रेजिमेंट की 8 टुकड़ियां सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं। राहत के नाम से कुछ नहीं मिल रहा हमारे यहाँ भी, कुछ नहीं, कोई कैंप वैम्प नहीं है मेरे यहाँ। सब पब्लिक अभी देखिए, अब मेरे यहाँ का देखिएगा, आप कहाँ से आंसू टपकेगा सर, मेरे यहाँ के पब्लिक का वो हाल है। पूरा जलमग्न है, आदमी मरने मारने पर उतारू है, पूरा डूबा हुआ है। जैसा कटिहार वैसा ही दरभंगा, जिंदगी छोटी छोटी नावों पर तैर रही है, लेकिन इन नावों से निकलकर किस दिशा में जाना है किसी को नहीं पता। कोसी और कमला बालान नदी ने सभी को घेर रखा है। बाढ़ की स्थिति है वो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार, इसमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उसमें सबसे ज्यादा पूर्णिया में बाढ़ की स्थिति ज्यादा है। सरकार दावा कर रही है कि राहत और बचाव का काम मुकम्मल है, लेकिन सुपौल में कोसी के तटबंध सुधारने का काम 2 ठेकेदारों के झगड़े में अटक गया। मजदूरों ने हंगामा कर दिया, तो अफसरों ने अपना सारा गुस्सा मीडिया पर उतारा। कहा जा रहा है कि 2 संवेदकों में यहाँ पे झगड़ा हुआ है, 2 संवेदक को दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर के? आप यहाँ काम करवा रहे हैं, मौजूद है यहाँ पे, अरे हटाइए ना। तो ये स्थिति है, मीडिया गुस्सा पर उतर रहा है, लेकिन लोग परेशान है। वो कह रहे हैं कि इंतजाम नहीं किए गए हैं।